ना बॉलिंग में दम थी आज, ना बैटिंग में दम थी आज। गुजरात वालों ने इंडिया की बहुत भयंकर तरीके से जो है बेइज्जती करवाई है। और खेलो भाई नेपाल के साथ मैच, और खेलो और कराओ गली मोहल्ले के साथ में नेशनल टीम के साथ मैचेस। इसी तरह बेइज्जती होनी चाहिए। इंटरनेशनल टीम के साथ खेलोगे, बड़ी टीम के साथ खेलोगे और अपने आप को आप सोचोगे कि मैं बड़ा हूँ यहाँ पे, बड़ी टीम के साथ प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, तो भाई इस तरीके के हार के लिए तैयार हो जाओ। और बड़ा अच्छा किया यहाँ पे नेपाल ने, आज फिर से जो है गुजरात को हरा के। अब देखो ये चीज़ तो पता चल गई है कि इंडिया की मेन टीम को अब भेजना पड़ेगा अगर नेपाल कभी भी मैचेस खेलना चाहता है इंडिया के अगेंस्ट। और बीसीसीआई को इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि नेपाल टीम जो है वो कमज़ोर टीम नहीं है, नेपाल टीम एक स्ट्रॉन्ग साइड टीम है। और अगर नेक्स्ट टाइम से कभी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं बीसीसीआई ये मैचेस, तो फिर आप अपनी मेन टीम को भेजना। दोस्तों आज ना मैच बड़ा गजब का था, मतलब आप कह सकते हो कि जिस तरीके से नेपाल के बैट्समैनों ने बैटिंग करी है भाई, वो 100 रन की पार्टनरशिप कुशल भुरतेल आसिफ शेख की तरफ से, गजब की पार्टनरशिप, गजब का यहाँ पे जो है खेल था आज। मतलब गुजरात के बॉलरों को जो है ना दौड़ा दौड़ा के मारा गया। कुशल भुरतेल ने 67 रन मारे, आसिफ शेख ने 85 रन मारे, 15 रन से चूक गए तो आज रिकॉर्ड बन जाते हैं। हालांकि रिकॉर्ड बने हैं, इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड बना दिया गया है, ठीक है, 120+ रन की पार्टनरशिप का नेपाल की तरफ से। प्लस यहाँ पे अगर मैं गुजरात की बॉलिंग की बात करूँ तो गुजरात की बॉलिंग आज एकदम घटिया बॉलिंग थी। और देखो जो लोग कह रहे थे कि नेपाल प्रैक्टिसेस करने आए एसीसी प्रीमियर कप से पहले, तो भाई ये नेपाल की प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, क्योंकि नेपाल की प्रैक्टिसेस जो है ना वो अच्छी टीम जो टीम कॉम्पिटिशन देती उसके साथ होती। गुजरात वाले कुछ कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे, ना गुजरात वाले नेपाल के बॉलर को खेल पा रहे, ना यहाँ पे गुजरात के बॉलर नेपाल को बैट्समैन को खेल पा रहे, समझ लो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है रहा। तो सिंपल सा बात है कि आज गुजरात हारी है, बहुत अच्छा, बड़ौदा भी हारी थी कल बहुत बुरी तरीके से, और ये वन साइडेड जो डोमिनेशन है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कमेंटेटर्स जो कमेंट्री कर रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये आप 1 रन 2 रन लेके ना मैचेस नहीं जीत सकते हो। जिस तरीके से नेपाल के पावर हिटर ने पावर हिट करी है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी भाई आप तो गुजरात की टीम, आप इंडियन टीम हो, आप कैसे रन बना लोगे, आप तो रणजी की टीम हो, यही बात है ना। जो भी है अच्छा हुआ यहाँ पे आज फिर से मैचेस हारा गया। बॉलिंग जो है नेपाल की गजब की गई, वो जो डिफेंड किया गया बहुत अच्छे से डिफेंड किया गया, और आप कह सकते हो पूरे लाइन लेंथ पे जो है नेपाल के बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। अब ना यहाँ पे बीसीसीआई का ईगो पे आएगा थोड़ा, और बीसीसीआई नेपाल को हराने के लिए जो है बड़ी टीम को भेजेगा। ऐसा होना जरूरी था, ऐसा जब तक आप किसी घर में घुस के ऐसे सीरीज जीत के नहीं जाते ना, तब तक लोगों को ना लगता नहीं है। अब ये चीज़ें जो है लाइमलाइट में आएगी, जितने इंडियन फैंस है, अगर मेरी वीडियो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हो तो देखते ही होंगे इंडियन फैंस, उनको भी बुरा लगता होगा कि भाई हमारी इंडियन टीम हार रही है। और मैं चाहता था कि ऐसा हो। गुजरात बड़ौदा की टीम सबसे कमज़ोर टीम है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी स्टेट्स टीम थी यहाँ पे, मुंबई की टीम थी, उसके अलावा यहाँ पे भाई साउथ की कितनी सारी टीम है, उसके अलावा अगर बात करूँ तो रांची की टीम थी, समझ रहे, झारखंड की टीम है, तो इतने सारे स्टेट टीम है, लेकिन गुजरात बड़ौदा को ही चुना गया। क्यों? पॉलिटिक्स। जैसा कहाँ से है? गुजरात से। जैसा के पापा कौन है? अमित शाह, आप समझ जाओ। तो जो भी है यहाँ पे देखो, इतना पॉलिटिकली मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन मैचेस को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे जो है बैटिंग करी गई आज नेपाल की तरफ से। लास्ट में नेपाल के बैट्समैन थोड़ा रन आउट कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, पावर हिट करना था। और नेपाल आज नॉर्मल तरीके से खेल रहे थे, उतना सीरियस होकर भी नहीं खेल रहे थे। आपने देखा ही होगा जब स्टार्टिंग में जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो लॉलीपॉप की तरह जो है बॉल को मारा जा रहा था, तो ये बहुत अच्छा किया गया नेपाल के बैट्समैनों की तरफ से। अब यहाँ पे बीसीसीआई से मैं कहूँगा कि आप जो है नेक्स्ट मैचेस ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट मैचेस में ना नेपाल को बड़ी टीमों के साथ खिलाओ, और वर्ल्ड कप से पहले आप प्रैक्टिस कराओ। बाकी देखो दोस्तों इसके बारे में आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट करो, मैं जनरली जानना चाहूँगा आप लोग जो इसके बारे में क्या सोचते हो। बीसीसीआई की जो हरकतें हैं वो अब थोड़ी सुधार होगी, बहुत अच्छा किया नेपाल ने, बहुत अच्छा भी इनके नेपाल।